वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बेसिक्स। इस वीडियो में हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस हमने बनाया था, राइट। यहाँ बात करें एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, दोनों ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स हैं, राइट। तो अगर आपको इननेट और एक्वायर्ड के बीच में डिफरेंस जानना हो तो उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। अभी मैंने आपको बताया एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी दोनों ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट है, राइट। आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसा होता है, ये आपका जो होता है स्पेसिफिक होता है, ये आपका एक स्पेसिफिक होता है, मीन्स स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज द स्पेसिफिक, ओके। अब बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव इम्यूनिटी वर्ड समझ में आ रहा है कि ये आपका एक्टिवली आपकी बॉडी के सेल्स, ये आपका बॉडी है और आपके बॉडी के सेल्स एक्टिवली सिंथेसिस करेंगे इसको एंटीबॉडी, और मींस इस इम्यूनिटी में, एक्टिव इम्यूनिटी में आपके बॉडी इज गोइंग टू पार्ट एक्टिवली इन दिस इम्यूनिटी, राइट। और ये जो इम्यूनिटी है ये आपको कैसा होगा, परमानेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी सिंथेसिस कर रही है, तो ये जो बॉडी सिंथेसिस कर रही है एंटीबॉडी, उसमें से कुछ ये क्या करेंगे, कुछ एज अ मेमोरी सेल की तरह, मेमोरी की तरह स्टोर कर लेंगे, दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी परमानेंट। Whereas पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये आप क्या कर रहे हो, इस इम्यूनिटी को आप किसी पर्टिकुलर एक्स ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस करवा रहे हो, लेट्स से एनी रैबिट और एनी मंकी एंड ऑल, आप उस एक्स ऑर्गेनिज्म में आप एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवा रहे हो। मतलब जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म एक्स है, आपको मान लीजिए कि आपको टिटनस की का वैक्सीन चाहिए, तो आपने इस ऑर्गेनिज्म में टिटनस करवाया, इस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होगी वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, तो आप क्या करोगे, इस एंटीबॉडी को आइसोलेट करोगे, प्यूरिफाई करोगे और पैक कर दोगे यूज के लिए। अब ये इंडिविजुअल है, इसको टिटनस हुआ, तो आप क्या करोगे, आप वेट नहीं करोगे कि भाई हमारी बॉडी टिटनस के लिए एंटीबॉडी बनाएगी, नहीं, आप उस किस में क्या करते हो, ये जो पैक जो कि मार्केट में अवेलेबल है इसको सिंपली आप इस पर्सन को दोगे और वो पर्सन आपका टिटनस से इंजेक्शन मिल जाएगा, राइट। तो ये जो कैसे होता है, ये फ्यू वीक्स और मंथ्स तक इसकी जो है पैसिव इम्यूनिटी आपके बॉडी में देखने को मिलती है। आप पैसिव इम्यूनिटी कहाँ से लेते हो, किसी आउटसाइड दी होस्ट, बाहर की किसी होस्ट में आपने वो एंटीबॉडी बनवाया नोइंगली, उसको आपने आइसोलेट किया, उसको प्योरीफाई किया, राइट। वो सारे वो बायोटेक के एप्लीकेशन है, कैसे कैसे करते हैं, तो वहाँ से आप मार्केट में अवेलेबल है सिंपली कोई स्पेसिफिक के अगेंस्ट, जैसे टेटनस के मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, टेटनस के अगेंस्ट आपने टेटबैक वैक्सीन लिया, उसका फिर लगा लिया। एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें सेकंड पॉइंट में, यहाँ क्या है, आपके पास मेमोरी स्टोर्ड है, जैसे टी मेमोरी सेल्स, राइट, जैसे बी मेमोरी सेल्स, तो ये आपके मेमोरी सेल्स स्टोर हो जाते हैं जब आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी आपकी खुद एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस करती है, राइट। और यहाँ पे कोई मेमोरी नहीं होगा क्योंकि आप सिंपली अपने एंटीबॉडी क्या है, इस तरह का वाई शेप स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन है, आप प्रोटीन को बाहर से अपने बॉडी में इंजेक्ट करवा रहे हो, राइट। तो आपने अपने बॉडी में इंजेक्ट करा लिया तो आपके पास ऐसा कोई मेमोरी नहीं बना क्योंकि आपके सेल्स ने ऐसा एंटीबॉडी को प्रोडक्शन करने में कोई हेल्प, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। थर्ड की बात करें तो इसमें एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ व्हाट लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होता है, स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होता है, जैसे यहाँ पे मैंने भी बताया बी सेल्स और आपके टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं व्हाट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। मतलब अगर ये बात करूँ कि ये एंटीजन है, एंटीजन ये आपका क्या करेगा, टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, मतलब यहाँ पे आपके मैक्रोफेज आएंगे, मैक्रोफेज प्रेजेंट करेगा, फिर मैक्रोफेज के टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, फिर टी सेल आपके डिफरेंशिएट होंगे टी हेल्पर सेल्स में, टी साइटोटॉक्सिक सेल में, टी हेल्पर सेल फिर फर्दर क्या करेगा, फिर बी सेल को एक्टिवेट करेगा, देन बी सेल आपका फिर प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद ये आपके एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे क्या स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट इन्वॉल्व है, यहाँ पे बी और टी दोनों ये लिम्फोसाइट के टाइप्स हैं। जबकि यहाँ पे बात करें तो आपका कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट इन्वॉल्व नहीं है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे सिंपली एंटीबॉडी इंजेक्ट कर रहे हो किसी पर्सन के बॉडी में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि मदर्स की, अगर आप मिल्क की बात करो, राइट, मदर्स की मिल्क में जो इनिशियली लैक्टेटिंग मदर होती हैं उनके इसमें तमाम तरह के आपके जो रिक्वायरमेंट वाले एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, तो जो दैट्स वाई ये कहा जाता है कि जो क्लोस्ट्रम होता है, जो इनिशियल डीज की जो मिल्क होते हैं, येलो मिल्क होता है मदर का, वो लेना चाहिए जस्ट बिकॉज की
उसमें तमाम ही एंटीबॉडीज होते हैं जो कि इस बेबी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, राइट। तो आपका पैसिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट वहां पे आ जाता है, राइट। जैसे मदर इंट्रोड्यूस एंटीबॉडी टू फीटस थ्रू द प्लेसेंटा एंड टू एन इन्फेंट वाया मदर। तो आपके जब बेबी बीवी मदर के मुंह में है तब उस टाइम पे भी जो एंटीबॉडी आ रहा प्लेसेंटा के थ्रू तब भी वो आपका क्या है, पैसिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है। और जब मदर फीड करा रही बेबी को उस टाइम पे भी ये पैसिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है। फूड पॉइंट की बात करें तो इस केस में आपको पैसिव इम्यूनिटी में कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। साइड इफेक्ट यानी क्या, क्यों साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा? जैसे आपकी बॉडी ही आपके अंदर कोई पैथोजन एंटीजन कोई एंटीजन है उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी ही एंटीबॉडी बना रही है, राइट। तो आपकी बॉडी बना रही है इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट यहाँ पे रिएक्शन हो सकते हैं जस्ट बिकॉज की आपने क्या किया, यहाँ पे एक्स ऑर्गेनिज्म में आपने आइसोलेट किया है, तो ये एक और अलग ऑर्गेनिज्म एंटीबॉडी बनाया है और आप अलग ऑर्गेनिज्म में जो इंजेक्ट कर रहे हैं हो सकता है ये रिएक्शंस हो। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इम्यूनिटी जो होती है वो आपको इमिडिएटली नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जस्ट बिकॉज की एंटीजन होगा, फिर वह एंटीजन आपके मैक्रोफेजेस या फिर अदर WBC सेल्स या फिर नेचुरल किलर सेल्स इन सारे सेल्स के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद फिर टी सेल्स एक्टिवेट होगा, टी सेल्स डिफरेंशिएट होगा, टी हेल्पर टी साइटोटॉक्सिक टी हेल्पर फिर फर्दर आपके बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, बी सेल डिफरेंशिएट होगा प्लाज्मा सेल्स में, प्लाज्मा सेल फिर फर्दर आपके एंटीबॉडीज बनाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। इसलिए ये इमीडिएटली तो नहीं मिलेगा, बट ये आपको इमीडिएटली पैसिव इम्यूनिटी आपको इमीडिएटली मिलता है क्योंकि आपने ऑटोमेटिकली यहाँ आप एंटीबॉडी बना रहे हो, राइट। तो वही एंटीबॉडी आपने किसी और ऑर्गेनिज्म में बनाया और वहाँ आप इस किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो रिक्वायर्ड है उसके अंदर आप उसको इंजेक्ट कर रहे हो। इस केस में क्या होगा कि इम्यूनिटी जो आपको है पैसिवली तुरंत ही मिल जाएगा, जैसे आप रेबीज के केस में देखते हो, जैसे आप टेटनस के केस में देखते हो, उस केस में हमें इंस्टेंट इम्यूनिटी चाहिए होता है, राइट। दैट्स व्हाई वी यूज दी सच काइंड ऑफ वैक्सीन। बट एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो उसमें हमारी बॉडीज जो है हमारी बॉडी जो खुद से बनाती है, तो इसलिए वहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। आई होप आपको ये एक्टिव वर्सेस पैसिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो जो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।